बीच में मिहिर भोज का एक प्रसंग हुआ था, तो गुज्जर उसे अपना राजा बता रहे थे और राजपूत अपना। महाराज शेखा जी के गंग कंवर जी टाक के विवाह के पश्चात एक बहुत खुशी का माहौल था। परंतु शेखा जी का दिमाग कहीं और चल रहा था। वो खुशी के माहौल में भी हर वक्त अपने विजय अभियान पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। शादी के पश्चात 5-6 महीने रेस्ट करने का समय मिला। उसके उपरांत फिर राज्य विस्तार के लिए शेखा जी ने कमान कस ली और उनके इस रोड मैप में जब तक यादव साम्राज्य एक फतह नहीं हो जाता तब तक वो इस अभियान को एक अधूरा समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात ही उन्होंने अपने कांगड़ डोलडे खोले और सेना को एक अलग युद्ध अभियान के लिए चल दिए। एक योद्धा, एक युवा योद्धा, युवा राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पूरे निकल गया और आस पड़ोस में जो छोटे छोटे जागीरदार थे यादवों के, उस वक्त यादव मेवात, पलवल और रेवाड़ी तक फैले हुए थे। उनका अगला निशाना था यादव। इस पूरे इलाके में यादवों की छोटी छोटी रियासतें थी। एक बहुत सुदृढ़ थे, इनके छोटे छोटे राज्य थे और बहुत उपजाऊ क्षेत्र था और बड़ा एक समृद्धशाली क्षेत्र था। उन्होंने एक के बाद एक जितने यादव राज्य थे इनको सबको फतह करते हुए वो रेवाड़ी तक जा पहुंचे। उनको जीत करके अपनी शाखा में, अपने राज्य में मिलाने का काम राव शेखा जी ने किया और यादवों को हराने का काम शेखा जी ने उस समय किया। और अब तक जो है इनके पास लगभग 40 गांव हो चुके थे, तो एक छोटी मोटी रियासत कायम हो गई थी। महाराव शेखा जी का एक राज्य की सीमाएं यहाँ से बढ़कर के रेवाड़ी तक अर्थात लोधी साम्राज्य दिल्ली तक टकराने लगी थी। अखन की जो सीमा आती है, अखन खां की, उस सीमा के नजदीक जितने भी यादव ठिकाने थे वो सारे महाराव शेखा जी ने अपने कब्जे में कर लिए और एक प्रखर राज्य स्थापित कर दिया। यादव विजय के पश्चात महाराव शेखा जी ने अमरसर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। स्थान पे पहले अमरा धाबई की ढाणी हुआ करती थी। उस ढाणी को उन्होंने अमरसर नगर के रूप में बिठाया, यहाँ गढ़ उसका निर्माण किया और इस पे बहुत सारे लोगों को ला के यहाँ बसाया। इस बसाने के पीछे बहुत सारी घटनाएं भी हैं। चूरू में उन दिनों एक दंगा हुआ, तो उस दंगे में वहाँ के जो सरदार थे रियासत के, उन्होंने वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनको बड़ा तंग किया कर के लिए और के लिए, तो वो लोग वहाँ से विस्थापित होना चाहते थे, तो महाराव शेखा जी ने उनको संरक्षण दिया और उनको भी अमृतसर ला के बसाया। राव शेखा जी और शेखावाटी में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सेठों का योगदान प्राप्त करें। अगर सेठ हमें आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि इकोनॉमी थोड़ी अप हो जाए। इसीलिए उन्होंने सेठों को अप्रोच किया और उन्हें अपने व्यापार करने की छूट दी, अपने व्यापार के विस्तार की छूट दी, उन्हें व्यवस्थाएं प्रदान की और अमृतसर को एक आदर्श राजधानी बनाने का उन्होंने काम किया। और लगभग 580 के करीब गांव थे उसमें सेठों को उनकी कमान संभालने के लिए दे दी और बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने व्यापारियों को यहाँ बसाया जिससे कि ये व्यापारिक तौर पर संगठित हो सके। मिर्ची यहाँ की बहुत फेमस थी, आज भी है। वैदाचार्यों को औषधालय बनाए गए। अलग अलग विधाओं के लोगों को लाकर आमंत्रित करके इस
अमृतसर नगर में बसाया, जो लगभग पहले धाणी थी ऐसा ही था। चारों तरफ से विकास का कार्य किया गया। अमृतसर नगर बसाने के पश्चात यहाँ पे राज्य व्यवस्था कायम की, सुनिश्चित किया कि चारों तरफ जो पहाड़ियाँ अरावली की हैं उससे नगर महफूज रहे, सेफ रहे। महाराज शेखा जी ने अपना जो साम्राज्य था, उनका जो शासन था, वो अमृतसर से उसको मुख्य केंद्र इसलिए बनाया कि एक तो अमृतसर है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण से वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव में बहुत बड़ी सहायता इन पहाड़ियों से मिलती है। इसकी सुरक्षा के लिए अलग अलग चौकियां बनाई गई। अब वो जो चौकी आप देख रहे हैं सामने, उसके पास में एक द्वार है, वो एक पीछे एकदम पिछली पहाड़ी पे एक छोटा सा गढ़ नुमा बना है, वो भी एक प्रकार की चौकी है। वो चौकी दिखाइए, वो एक चौकी बनी हुई है, देखिए इस पहाड़ी के पीछे एक चौकी है। तो इस तरीके की अनेक चौकियां जो है उन्होंने अमृतसर बसाने के बाद में महाराज शेखा जी ने ऐसी चौकियों की स्थापना की। हर 10-15 गांवों के बीच में एक स्टेशन बनाया, एक चौकी बनाई, और उस चौकियों पे जो है एक उनका प्रभारी नियुक्त किया, एक प्रॉपर जो है सैन्य व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था, और एक जो है राज्य संभालने की व्यवस्था उन्होंने कायम की। उस व्यवस्था के अंतर्गत एक ढांचा बनाया गया, सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए एक अलग वहाँ पे जगह बनाई गई। तो इस तरीके से जो आम आदमी सेना में भर्ती होना चाहता था उसको प्रशिक्षण दिया जाता था, और यहाँ पे चौकियों जो हैं उन पर निगरानी रखी जाती थी, और कोई आसानी से अमृतसर पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता है। इसी दृष्टिकोण से राव शेखा जी ने अमृतसर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। मतलब जो आज भी किसी न किसी रूप से संरक्षित है, हालांकि किसी ने उसकी देखभाल नहीं की है। ये देखिए नीचे चौकियाँ बनाई हुई जगदीश्वर धाम को संरक्षित रखने के लिए, मतलब कितनी सुदृढ़ व्यवस्था थी उनकी। एक दूसरी वजह और ये थी कि उनका शासन इस मुख्य केंद्र से 100 किलोमीटर के परिधि के अंदर फैला हुआ था। एक तरफ खेतड़ी, एक तरफ रड़ावता, एक तरफ जयपुर। रड़ावता चले जाओ चाहे नागौर चले जाओ, मतलब उसी रेडियस में था। इसका सामरिक महत्व भी था, जो दुश्मन को पूरी तरह से पहाड़ियों पर राव शेखा जी की सेना चौकसी रखती थी, और दुश्मन के ऊपर नज़र रखने के साथ साथ उनके आक्रमण को विफल करने के लिए भी उसमें काफ़ी सहायता मिलती थी। फिर उन्होंने वहाँ कोई अपना रहने का स्थान नहीं बनाया, और वस्तुतः इस नगर के पास ये जो गढ़ बनाया आप देखिए, ये वाला ये गढ़ है, इस गढ़ में स्वयं के नहीं अपितु सेना के रहने का स्थान बनाया, ये उसका मुख्य द्वार है। तो अमृतसर नगर इस भूमि पे इस गढ़ के अंडर में बसाया गया चारों तरफ। यहाँ पे सुरक्षा चौकी स्थापित की गई, यहाँ पे गार्ड बैठते थे। ये पुराने उस वक्त के प्राचीन मकान हैं, आज भी उसी अवस्था में है, मतलब खंडर हो गए हैं। मंदिर है, यहाँ आमों का बाग हुआ करता था, गर्मियों में जो है यहाँ बैठ के मंत्रणा होती थी। ये पुराना बड़ का पेड़ है, तब से लेके अभी तक सुरक्षित है। ये कुछ आधुनिक मकान यहाँ बने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पूरा पुराना ये अमृतसर था, और एक परकोटा बनाया, उस परकोटे में ही पूरा अमृतसर नगर बसा हुआ था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गुज्जर वर्सेस राजपूत एक होड़ लगी हुई है कि कौन अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना है। लोग जो हैं आपस में
कि जो हिंदुस्तान को बिखराने वाली ताकतें हैं, जो आपस में लड़वा के और बांट के और यहाँ पे एक अराजकता की स्थिति पैदा करके अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखिए, महाराव शेखा जी के समय में गुर्जर और राजपूतों में कितना घनिष्ठ संबंध था। अमरा धाबई जो है वो गुर्जर योद्धा थे और उन्होंने महाराव शेखा जी के साथ उनके लिए जंग लड़ी और वो वीरगति को प्राप्त। उनकी याद में उनके नाम को अमरत्व देने के लिए उन्होंने अमरा धाबई की जहाँ ढाणी थी वहाँ अमरसर नगर बसाया और उसे उनका नाम दिया। आज ये लड़ रहे हैं, बताइए, आज तक उस नगर को अमरसर नगर के नाम से ही जाना जाता है। इतिहास में अमरा धाबई जो है वो अमर हो गए। कैन यू इमेजिन कितना प्रेम रहा होगा, कितने इमोशंस रहे होंगे और आज मतलब गुर्जर और राजपूत जो है आपस में लड़ रहे हैं, कितना दुख पहुंचता होगा उनकी आत्माओं को जो उनके पूर्वज हैं। अरे सीखिए महाराज शेखा जी से, राजपूतों ने ही किया है इस धरती पे ऐसा, क्योंकि उनमें बलिदान देने की क्षमता थी, सर कटवाने की ताकत थी, इसलिए राज किया। आज भी एक जमात है जो राज करती आई है हिंदुस्तान पे। कौन सा बलिदान दिया था भाई उन्होंने, कर रही है ना। खैर हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, वो हमारा विषय नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आपस में ना लड़के, जैसा महाराव शेखा जी के समय में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, सामंजस्य था, आप उसी प्रेम और सद्भाव से रहिए। शेखा जी भी अपने हैं और अमरा धाबई भी हमारे ही थे। आई वंडर कि जैसे झुंझुनू में जो है झुंझा जी की जो है मूर्ति लगा दी कि वो झुंझुनू के संस्थापक थे, उसी तरीके से कोई नया बहबेला ना खड़ा कर दे। खैर करें तो करें, मेरा काम था समझाना, मैंने समझाया। चंद्रसेन जी एक ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने तो एक शपथ ग्रहण की कि आज मैं शेखा जी को मैं मिटा कर रहूँगा। और उन्होंने कहा कि ये बरवाड़ा नाम का एक चीज़ क्या है, राज्य क्या है, ये तो एक अधीनिष्ठ छोटा सा है कि दिया हुआ है, तो हमारा अमेरिका राज्य का हिस्सा है, हमें अपना ये हमारे अधीन है ये।